झारखंड में लॉटरी पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद कहीं पुलिस से मिलजुल कर तो कहीं यूं ही छिपते छिपाते यहां लॉटरी का खेल मजे से खेला जाता है। दुमका के शिकारीपाड़ा में ऐसे लॉटरी का धंधा खूब फल फूल रहा था। कितने ही लोगों के खून पसीने की कमाई इस लॉटरी की भेंट चढ़ जा रही थी। पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली तो लॉटरी के अड्डे पर छापा मारकर लॉटरी के धंधेबाज समेत बड़ी मात्रा में अवैध लॉटरी के स्टॉक समेत इसे छुपाने के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर जब्त कर लिया। पुलिस अधीक्षक महोदय दुमका को बराबर सूचना मिल रही थी कि शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में अवैध लॉटरी का कारोबार हो रहा है। कल पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली, जिसका निर्देश में कि बेनागरिया के सफरुद्दीन के घर में अवैध लॉटरी का कारोबार हो रहा है। मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें अनिप खुर्शीद आलम, सहनी सुनील कुमार आज़ाद एवं सशस्त्र बल के साथ सफरुद्दीन के घर में छापेमारी किया गया, जिसमें भारी मात्रा में लॉटरी एवं वहाँ पे लॉटरी का क्रय विक्रय भी होता था और छपाई भी होता था, जिसमें फोटोकॉपियर मशीन, कीबोर्ड, कॉपियर सा स्कैनर मशीन, रंगीन फ़ोटो जो ये करते हैं वो सब बरामद हुआ है। भारी मात्रा में लॉटरी बरामद हुआ है। एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है, इरफान अंसारी को, और 5 आदमी पर कांड दर्ज किया गया है, जिसमें छापेमारी चल रही है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें नेटवर्क कितना दूर तक जुड़ा हुआ है सर? ये बहुत दूर तक जुड़ा हुआ है। बंगाल उंगाल आसनवनी जो दुमका के साथ साथ बंगाल में भी लॉटरी का सप्लाई करता था, कुछ लोग का नाम भी आया है जो कि बाद में बताया जाएगा। ये पता किया जा रहा है, पूर्व करते आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है। बता दें कि लॉटरी से कहीं ना कहीं गरीब लोग बर्बाद हो जाते हैं जो लॉटरी में अपना पैसा दाव पर लगाते हैं, और ना जाने कितने ही अमीर होने की चाहत में और गरीब हो जाते हैं और अपना सब कुछ खो देते हैं। झारखंड में लॉटरी के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लागू होने के बावजूद यहां कई इलाकों में लॉटरी का धंधा खूब मजे से चलता है। तुरंत पैसा कमाने की चाहत में बड़ी संख्या में लॉटरी का टिकट खरीद खरीद कर बर्बाद हो रहे हैं। दुमका के शिकारीपाड़ा में चल रहे ऐसे ही एक लॉटरी के अड्डे पर छापेमारी कर पुलिस ने इसके धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के बाद यहां लॉटरी का अवैध धंधा रुकता है या फिर आगे सेटिंग गेटिंग के सहारे और जोर पकड़ता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लॉटरी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, बावजूद उसके विभिन्न तरह के सेटिंग करके ये धंधा चलाया जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है गरीब लोगों को, जो अमीर बनने के चक्कर में लॉटरी का टिकट खरीदते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। हालांकि इस बार एक लॉटरी टिकट का उद्भेदन पुलिस ने किया है, इसका अब क्या प्रभाव पड़ता है लॉटरी वाले पर या फिर आगे कोई सेटिंग गेटिंग होता है, यह तो वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।